यही मौका है। कालीन भैया कौन? ये परंपरा तो मिर्जापुर 4 का मास्टरमाइंड का पता चल चुका ही। इस सीजन में अब 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी होने वाली है और मिर्जापुर 4 का हाल अब बिग बॉस की तरह होने वाला है। मतलब बीच में आउट हुआ बंदा लौट आता है घर में वापस, वो भी फुल ऑडियंस डिमांड पे। और उसके साथ एक ऐसी एंट्रीज का इंतजार करते करते मिर्जापुर 3 की ऑडियंस थक गई थी और उसे लेकर तो अब भगवान को वो भी चढ़ाया जा रहा है। तो हम बात कर रहे हैं पंचायत की सचिव जी की। मिर्जापुर 3 में उनकी आने की खुशी में उनके फैंस ने लट्टू बांट दिए है, पर सारा पैसा वेस्ट गया ना, बिना पल के छपकाए प्रोसीजन देखा। पर नो सचिव जी, पर डोंट वरी, सबर का पलना बहुत मीठा होने वाला है क्योंकि मिर्जापुर 4 में सचिव जी का आना तो पक्का होगा क्योंकि पंचायत और मिर्जापुर के मेकर्स ने क्रॉसओवर करने का कुछ प्लान बनाया है। जैसे हमारा दिमाग कहता है कि सीजन 4 में गुड्डू और गोलू सोलंकी और जेपी यादव के साथ मिल जाएंगे, माधुरी मर जाएगी या उसकी सरकार गिर जाएगी और आखिरी लड़ाई त्यागी त्रिपाठी और गुड्डू गोलू के बीच होगी जिसमें शत्रुघ्न और गोलू की मौत हो जाएगी और उधर कालीन भैया गुड्डू भैया को या गुड्डू कालीन भैया को मार देगा और कालीन भैया जब मर जाएंगे, जब उनकी मौत को लेकर कुछ पेपर वर्क किया जाएगा, वर्की करने के लिए सचिव जी की एंट्री करवाई जाएगी। वाह, मतलब सचिव जी की एंट्री करवाने के लिए कालीन भैया को मार दोगे क्या? खैर इनकी तो एंट्री बस एक कैन ही होगी, हमें तो जलवा देखना है और जलवा दिखाना बस एक ही आदमी को आता है, दिवंगत त्रिपाठी, जिसका ये डायलॉग हमने सुना है, हिंदी फिल्मों के हीरो है हम, अमर है अमर। तो मुन्ना त्रिपाठी को लाना तो पड़ेगा क्योंकि मिर्जापुर 3 में वो नहीं थे तो ऐसा लगा था कि उनके साथ साथ सीजन मर चुका है। पर फिर इन्हें कैसे वापस लाया जा सकता है क्योंकि इनका हमने अंतिम संस्कार देखा है और आत्मा पातो बनकर आना मिर्जापुर में शोभा नहीं देगा। हमारे पास तो एक और थ्योरी है, जैसे बीना का बेटा मुन्ना भैया बनकर लौटेगा। हाँ मतलब मुन्ना त्रिपाठी को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं मेकर, क्या पता जो मरा हुआ है वो कोई हमशक्ल हो या फिर उसका बॉडी डबल हो या कालीन भैया की कोई एक और वाइफ आ जाए और उसका पहला बच्चा मुन्ना त्रिपाठी बनकर आ जाए, मतलब मुन्ना जैसा दिखने वाला हो। वैसे मुन्ना त्रिपाठी को लाने में हमारी माधुरी भाभी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकती है, अरे उनके पति है वो, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तो इस मुन्ना त्रिपाठी का कैरेक्टर सीजन 2 मर गया था ये तो ठीक है, पर उन्हें गोलियां भी मार दी गई थी। पर ये बात आपको पता है कि उनका हार्ट जो बहुत बड़ा है वो एक्चुअली राइट साइड में है और उन्हें गोलियां लगी थी लेफ्ट साइड में, तो शायद इसी बचपन से वो कहते होंगे कि भाई मैं अमर रहूंगा। और फिर थर्ड सीजन में डायरेक्टली उनका अंतिम संस्कार दिखाया गया और माधुरी भी अंतिम संस्कार करने के लिए आगे आती है जबकि उसे सब लोग टोकते हैं और फिर उसके बाद मुन्ना भैया का कोई जिक्र नहीं होता। तो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है माधुरी की जिसने सभी बाहुबलियों को गुंडों को मरवा दिया जो कालीन भैया को ब्लैकमेल कर रही थी, शरद शुक्ला का पत्ता भी कर चुका है, तो इस सब में वो मुन्ना त्रिपाठी को वापस ला सकती है। क्या पता जो मरा था वो मुन्ना त्रिपाठी हो ही ना या बॉडी की अदला बदली की गई हो। और ऐसे में तो ये माधुरी बहन बहुत बड़ी मास्टरमाइंड साबित होगी मिर्जापुर 4 के लिए, है ना? तो आपको क्या लगता है कैसे लौट सकता है हमारा मुन्ना और कौन हो सकता है सीजन का मास्टरमाइंड, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828 8500 88.